देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1463 नए मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हो गई है, जो सर्वाधिक है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 28,000 को पार कर गई है, जिसमें 21,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 6,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 886 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण कुछ इस तरह फैला है कि एक माह में 96 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में पहला कंटेनमेंट जोन 26 मार्च को बनाया गया था। खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में भी लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक कुल 2918 संक्रमित मरीज हैं। इनमें से 877 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 5 मार्च को आया था। इस हिसाब से करीब 90% संक्रमित बढ़ गए हैं। पिछले एक सप्ताह में औसतन रोजाना 100 नए मामले आ रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत से दिल्ली की आजादपुर मंडी में फल और सब्जियां लेकर बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर हरियाणा सरकार के आदेश के बावजूद भी कोई किसान या व्यापारी दिल्ली की आजादपुर मंडी में फल और सब्जियां बेचने जाता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सोनीपत की मंडियों में हरियाणा पुलिस को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए कि मंडियों में आने वाले किसान और व्यापारी जिला सोनीपत के ही निवासी हो। हिमाचल प्रदेश से आने वाली फल और सब्जियों का ही सोनीपत की मंडियों में प्रवेश हो सकेगा। कोरोना कहर के बीच श्रमिकों के लिए खुशखबरी। गृह मंत्रालय के मुताबिक किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद और बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। मनरेगा के तहत भी कार्यों में गति आई है। मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव के 2 प्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूरों को खाने की समस्या ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मदद के लिए आ गए हैं। विधायक नरेश यादव के प्रतिनिधि भी इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहे थे। महरौली के पहलवान ढाबे के आसपास का इलाका, जिसमें करीब 1,500 घर हैं, कंटेनमेंट जोन है। विधायक नरेश यादव के प्रतिनिधि जरूरतमंद लोगों को इलाके में सामान बांट रहे थे, जिन्हें सोमवार को टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया।